स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज लग गई फोर्थ, कल आ रही है नाजा खाना, लोग उनको जाना है लेने आज रात। हम सोएंगे नहीं, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, तो इसलिए सबसे पहले हम आके करेंगे अपनी वॉक, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। 30 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स, अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है। वॉक कंप्लीट हो गई है, अच्छा लग रहा है। मतलब जब आए थे ना ऊपर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं 5 मिनट भी खड़ी हूँ, लेकिन मैंने कहा सबा लेटी तो लेटी, नया व्लॉग भी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, वॉक भी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीजें पीछे हो जाएंगी, आलस नहीं करने का। 2:03 हो रहा है। कोई सोचेगा सबा को क्या हो गया है, लग रहा है बाहर आने में। शांति, सुकून, पेड़ भी सो रहे हैं, कोई मूवी देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई रो रहा होगा। भैया आने का, मैं अंदर ही चलती हूँ, मुझे ही डर लगने लगा। रो रहा होगा से बात ही होती है कि फ्रेंड्स हर जगह कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। फ्रेंड्स इस दुनिया में पता नहीं रहता कि किसके साथ किस वक्त क्या हो रहा होगा। इसी चीज से ना जब मैं अकेले बैठती हूँ, कभी अच्छा फील होता है, कभी लो फील होता है, तो मैं कुछ लिख लेती हूँ 4-5 लाइन। तो पूरी तो नहीं लिख पाई थी, लेकिन जितनी लिखी थी आपको सुनाती हूँ। इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, इस एक पल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा, कोई आया होगा अभी अभी इस दुनिया में तो कहीं किसी के जाने का मातम हो रहा होगा। किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां, किसी को मिल रही होंगी सारे जहां की खुशियां, तो कोई छुपके अपने तकिए में ससक के रो रहा होगा। कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना, कोई वादा निभा के बना रहा होगा किसी को हमेशा के लिए अपना, तो कोई धोखा देकर किसी को तन्हा छोड़ रहा होगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अभी इतना ही लिखा था, आगे कुछ याद आएगा तो आगे आपसे कंटिन्यू करूंगी। ये लिखने का, ये थॉट का यही मकसद था कि आपको नहीं पता होता कि कौन इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। कभी खुशी होती है, कभी हमारे यहाँ गम होता है, कभी कोई चीज हमें कितनी अच्छी लगती है। आप फॉर एग्जाम्पल बारिश देख ले, आप खुश होंगे तो आपको बारिश अच्छी लगेगी, आप नहीं खुश हो रहे तो आपको बारिश में बहुत ज्यादा मातम नजर आता है। हर एक इंसान की सिचुएशन होती है, हर एक इंसान का नजरिया होता है, हर एक इंसान क्या फील कर रहा होता है आपको कुछ नहीं पता। हमें हर एक के साथ ना बहुत नरमी से पेश आना है, किसी को रुलाना नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी को इस हद तक नहीं मजबूर करना कि सामने वाला रोने पे मजबूर हो जाए। सबको अपना अपना हिसाब अल्लाह के यहाँ देना, हम लोग कौन होते हैं किसी को तकलीफ देने वाले। तो बस इसलिए आप, उम्मीद करती हूँ जो कहना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। ये 3 कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मेहंदी के कपड़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये देखो ब्लू येलो मैजेंटा। इतना सारा ज्ञान देने के बाद अभी सब आपको दिखाएगी अपने बनाए हुए सूट्स। तो चलो चलो फ्रेंड्स, बेसिक से सूट्स है। पता है कि मुझे पेस्टल शेड्स, लाइट शेड्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक सूट ये हो गया है। सेकंड वाला ये हो गया है फ्रेंड्स, ये भी कपड़ा लेके भगवान कलेक्शन से शरारा बनाया था। देखने में तो पता नहीं क्यों अलग लग रहा है, ये अलग लाल लग रहा है, वो अलग लाल लग रहा है। आज हमने इसका दुपट्टा लेके ये लेस लगवा ली है। और ये वाला फ्रेंड्स पिछले 6 महीने से रखा हुआ है, मिंत्रा से मंगाया था, फिर दुपट्टा नहीं था, बिना दुपट्टे के रखा हुआ था, पहनने में नहीं आ रहा था, फिर आज ये दुपट्टा लिया। और ये एग्जैक्ट मैचिंग कलर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब कौन रुकता है डाइंग के लिए। इसके दुपट्टे में आज लेस ही नहीं लग पाई, भैया ने बोला हम 3 ही लगाएंगे, तो बस ये कुर्ता है। इसका पिंक प्लेन दुपट्टा लिया और व्हाइट लेस, ये सबसे खूबसूरत मुझे लगता है। इसका दुपट्टा देखिए, ग्रीन और पिंक की लेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी कपड़ा लेके सिलवाया था, ये सारी लेसेस ली थी। शरारा ये सब तो जमील भाई बहुत अच्छा बना देते हैं। प्यास लगाई है, 3 बजे मुझे नीचे जाने में बहुत डर लग रहा है, तो मैंने यहीं पे जो कपड़े मुझे मिले मैंने वो पहन लिए। तो वॉक करने से पहले भी चेहरा धोना है, क्योंकि दिन भर का जो भी पसीना, धूल, मिट्टी या कोई भी प्रोडक्ट आपने फेस पे लगाया वो अंदर चला जाएगा। और जो भी वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, जब भी उसके बाद भी आपको चेहरा धोना। अभी मैं अपने फेस पे सबसे पहले लगाऊंगी द डर्मा कोका 10% विटामिन सी फेस सीरम। इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुकी हूं, और विटामिन सी फेस के लिए फ्रेंड्स आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये सीरम में फ्रेंड्स नायसिनमाइड भी है, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलके, मतलब विटामिन सी और नायसिनमाइड मिलके हमारे फेस से जो है डलनेस को भी दूर करेंगे, डार्क स्पॉट्स को भी दूर करेंगे। धुले हुए फेस पे आपको 4-5 ड्रॉप और इस तरह से जेंटली मसाज करना है, जिससे वो स्किन पे अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। और नेक को भी नहीं भूलना है। सीरम अप्लाई करके हो चुका है, बहुत लाइट वेट है तो बहुत जल्दी स्किन पे एब्सॉर्ब हो जाता है। विटामिन सी के बारे में आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, ब्राइटनिंग सा इफेक्ट दे देता है, बहुत अच्छे से ग्लो दे देता है, स्पॉट्स भी कम कर देगा। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप विटामिन सी के प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा रहे हो ना, तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हमेशा लगाना है। अच्छी वाली सनस्क्रीन की बात चल रही है, तो मैं आपको द डर्मा कोकी 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा। इसकी सबसे अच्छी बात है कि बहुत
अच्छा स्पेक्ट्रम देता है। ये है SPF 50 PA प्लस 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 प्लस, सुपर लाइट वेट है, इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है और ये बिल्कुल पानी की तरह है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अपने फेस पे नहीं लगा रही हूँ कि सुबह जब बाहर जाऊंगी तो लगाऊंगी। टेक्सचर दिखाती हूँ, सबसे अच्छी बात है कि हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई का मिक्सचर है, आपको सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं उसे भी दूर करेगा और स्किन आपकी एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी, एकदम बटर की तरह, वाटर जैसा है, स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया। मैं तो इसे अपने फेस पे एवरीडे लगाती हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप कभी भी अपने फेस पे कोई भी नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर ले। डर्मेको के प्रोडक्ट के साथ मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, उनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट। जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपका ऑर्डर वो एक ऐसे बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं जिसकी वो पढ़ाई में हेल्प करते हैं। उन्होंने प्लेज लिया है कि वो हर साल 10,000 बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करेंगे। आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि SABA2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये तो मैं आपको दिखाने ही भूल गई कि आज मैंने ये वाला दुपट्टा भी लिया था। मैं कोई भी प्लेन कलर का सूट ले लूंगी, ठीक है फ्रेंड्स? कैसा है? अभी मेरे पास 1-2 घंटे है, मैं बैठ के अपना ब्लॉग एडिट करूंगी जो मुझे आज डालना है। हाँ, मैं सोने ही वाली थी, अच्छा वो लगा दियो। टाइम है वैसे 1 घंटा निकलने में, जब तक कुछ खा लेती हूँ। अब सुबह वही नाश्ता भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन एक मसला हो गया कि थायराइड की दवा नहीं खाई है, क्योंकि मैं तो सो ही नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से तो सुबह हुई नहीं है, मेरे हिसाब से तो रात ही चल रही है, तो अभी थायराइड की दवा बाद में खाऊंगी। मन तो कर रहा है ये ना खा के ये खाऊं, आराम से बैठ के खाते हैं। रेडी हो गए, मैंने ये वाला सूट पहन लिया था क्योंकि बाकी थे वो स्टेशन के साथ तो थोड़े हैवी लग रहे थे, बहुत कंफर्टेबल था और अच्छा भी लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग, चेंज करके आई ऊपर से गेहूं तोरे घर की आज का नहीं आई, का नहीं आई, कहा अकेले ऊपर ही रुक गई थी। सोच रही थी बस मुझे ही भूख लगती है, तुम भी मुझसे बड़े भूखे हो। रेडी हो गए, निकलते हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, गुड्डू वालू बोलेंगे क्या जरूरत थी आने की, मैं तो खुद ही ले आता, लेकिन अब उनको कौन बता कि इन लोगों को स्टेशन भी घूमना था, इनको बाहर का वड़ा पाव भी सुबह सुबह खाना था। अंधेरा है फ्रेंड्स इस वक्त। जी ना खाला बोलिए। हम लोग बस खाना खा रहे थे, मतलब कुछ खा रहे थे, भूख लग रही थी, सब लोग सोच रहे थे कि उन्हें ना पता चले कि हम लोग जा रहे, इसलिए मैंने नहीं फोन किया, रिजन ने भी फोन नहीं पकड़ा, रेहान को पकड़ा दिया। बहुत तेज बारिश आ चुकी है फ्रेंड्स। ध्यान का सही है फ्रेंड, ना किसी की आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, बस खाने आते हैं हम। शायर सभा अभी तक कहीं भी बड़ा पाव से नहीं दिखा है, करेक्ट 7 बजे पहुंच गए, वो लोग लगते 8:30 पे आएंगे। हाँ? नहीं 7:30। 3 साल के बाद स्टेशन। अभी कौन आया था CST जब सनी भाई को लेने गए थे? आप भूल गए, बड़ा पाव वाला नहीं है, अंदर है अम्ब्रेला कार में, क्यों नहीं है? खाने की चीज की तलाश में इतने आगे तक गए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। 6 नंबर, ये 6 नंबर है, इतनी थी वो है क्या इधर ट्रेन में, ट्रेन के डब्बे के अंदर, ट्रेन के डब्बे के अंदर। फ्रेंड्स ये कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ वेट करते रह गए और ट्रेन यहाँ पे आई है और सोनू जस्ट सामने रिहान उनको बता रहे यहाँ आओ यहाँ आओ, देखो तो उधर ही थे। भैया कह रहे सुबह सुबह कोई नहीं बनाता। नहीं बनेगा, कहीं तो कोई बनेगा। फ्रेंड्स हम लोग देखिए कितना ज्यादा भीग गए, पूरा सामान भीग गया, साड़ी पहनना है तो उसी का डिस्कशन चल रहा है ना, आजा खाला कि तुम पहना देना। हाँ हम पहना देंगे, बहुत बार पहन चुके, तो अभी भी पहन लो ना शादी में। तो हमने भाभी से खाली निकाला, तुम लहंगा चुनरी ढूंढ रही है, तुम साड़ी क्यों नहीं पहन? अरे बाप, तुम साड़ी पहनो, सुन के सुन सुन के शेरवानी 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 मिल रही है, तो मिल रही शेरवानी नहीं आएगी अभी, नहीं आएगी। मिल गई।
हमें इतनी बारिश, इतना डर लग रहा था, बिजली चमक रही थी। और आते साथ कह रही है कि सोफे कवर कहाँ गए। मतलब ये अद्भुत चमत्कार कैसे हो सकता है कि सोफे पे कवर नहीं है। हमने कहा हम लोग थोड़ा सा बदल गए। कैसा लग रहा है तुम्हें आके? सबको हाय कहते हाय। तुम्हें कैसा लग रहा है? वड़ा पाव नहीं मिले? मेरी चप्पल साफ हो जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम्हारी सहेली। अच्छा हुआ बेटी का चाय बना दियो कि बाहर कुछ खाने को नहीं मिला। बारिश की वजह से रिहान तड़पता गया, तड़पता आया। इन लोग ही अंदर आते ही कोई खिचड़ी पकने लगी। क्या कर रहे थे? बोल रहे कि इस बार तो रूम कैसे साफ हो गया। नदी बहती थी यहाँ से, कपड़े यहाँ से ये पहन के जाएगी सारा। वो इंग्लिश में चप्पल पहन के ऐसे हाथ से पर्स लेके ऐसे सारा छोड़ने जाएगी स्कूल उस दिन। वड़ा पाव तो नहीं मिला तो बस इस हॉप चाय तो ही अपने बिल भर रहे। अम्मी के साथ की चाय। हाँ ना, कैसे सुनैया ही मेरी बहन है। आ जाओ दूसरी बहन। तीनों साथ में हो गई, माशाल्लाह। बोल दो इसी बात पे फ्रेंड्स। अब हमने भी पूरी गैंग को कंप्लीट कर दिया है। ऑर्डर करें वड़ा पाव और समोसा जब आ जाएंगे तो आपको दिखा। आलू की भी ले लो चाय। दादा कल इतनी सारी अच्छी अच्छी मेरी फेवरेट चीजें बना के लाई। मतलब हम सबकी फेवरेट है तो भी इसमें क्या। नाटक खाना से अच्छे से पैक करके लाई है तो नाटक खाना बहुत ही अच्छे खस्ते बनाती है तो इसलिए वो लेके आई है। फेवरेट ये वाले केक जो है, जो जेबी के कोई से केक है वहाँ पे फेमस है क्या? रेहान सबसे पहले जाओ शुक्राने की नमाज पढ़ के। समोसा वड़ा पाव देख के खुशी से बेहोश हो गया। तो आ गए तुम्हारे करण अर्जुन आ गए। मेरे कारण उर्जन मर गए। अच्छा तुम एफडी आ जाता। इतना तड़प रहे तो मैं नए स्टाइल का पाव मंगाया। अबे पुराना स्टाइल ही दे दो भाई। नाजा खाल अपनी आई नहीं की सूटकेस जमा रही। सूट अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं सोई नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, कल पूरी रात से जा रही हूँ लेकिन ब्लॉग एडिट करते वक्त नींद आई थी। फिर मैंने सारा से कहा सारा मुझे ब्लैक कॉफी पिलाओ, फिर मेरी नींद भाग गई है। अभी लोग दो दिन के लिए आए तो सोचा चलो कुछ दिला भी देते हैं, घुमा भी देते हैं। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। भोपाल वालों को अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। अम्मी का प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा अस्सलाम वालेकुम। बेटी खाना नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? थोड़ा सा कराते लगा। मैं जा नहीं रही थी लेकिन अब जानती हो बहन की मोहब्बत है। हाँ वो लोग कह रही है चलो। हाँ। चले अम्मी नहीं जा रही थी, अम्मी को रेडी कराया। फिर खालू नहीं जा रहे थे, खालू को अम्मी ने रेडी कराया। इस सब में ये हुआ कि नाजा खाला का फायदा हो गया। उसकी बहन भी जा रही है, उसका हस्बैंड भी जा रहा है, उसके बच्चे भी जा रहे हैं। आते हैं कुछ ऑर्डर करना है? पाव भाजी नहीं? तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे नाजा खाला, यहाँ पे अम्मी, आगे खालू। अम्मी देखो हर वक्त विदाई की बातें। अच्छी बात है ना। ताली रे ताली रे ताली। अम्मी गिरा लेती हो तो हमारी तो चलो ठीक है, उम्र है धोखा। जब बच्चे गिरा सकते हो तो बड़े तो गिराएंगे ना। Eight seventy-seven.
भाई छोटे हमारे साथ ले गए हम। नहीं मिला रिजा। अरे रिजा चला के ये लोग। अकेली लड़की बैठी है। चलो यकीन नहीं करोगे खालू कितना ज्यादा लिफ्ट में डरते हैं। इसमें कोई भी बैठा नहीं सिक्योरिटी वाला ऑपरेट करने के लिए, तो खालू कह रहे हम इस लिफ्ट में नहीं जाएंगे। फ्लाइट में कैसे बैठोगे फिर आप? फ्लाइट में कोई डर नहीं है, उसमें कोई डर नहीं। 9 बजने वाला है और अभी हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ आज, बहुत ज्यादा। मैं आपसे घर मिलके घर पहुँच के बात करती हूँ। हम लोग घर आ गए और फ्रेंड्स हमारी हालत खराब हो गई है। क्या कर रही थी? बस खाना खा हुआ बेटा। व्लॉग का एंडिंग आज मैं नेक्स्ट डे ले रही हूँ। जब मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, हम और सारे लोग बाहर जा रहे हैं। कल मैं इतना ज्यादा थक गई थी, आपको पता था, पिछली रात मैं सोई नहीं थी। तो कल मैं जब सोई तो ना ही मैं एंडिंग ले पाई मॉल से आने के बाद, ना ही कुछ किया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच दुआओं के लिए। और जितने भी लोग मॉल में मिले, जितने भी लोगों ने देखा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबने मुझे दुआएं दी, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह भी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में।